ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स दैट वी वियर, इसका आंसर हमें राइट करना होगा। बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉटन, सिल्क, वुलन, वाटरप्रूफ, ईटीसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स ऑफ क्लॉथ्स दैट वी वियर। ओके, लाइक शर्ट, साड़ी, कोट, ईटीसी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर गिफ्ट एग्जांपल्स, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर गिव एग्जाम्पल्स। कंप्लीट द आंसर दिस क्वेश्चन। फाइबर्स दैट आर प्रिपेयर्ड fibers that are prepared artificially by man called synthetic fiber. Okay, move to the next question, question number four. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ शुड वी स्टोर क्लॉथ्स,
हाउ शुड वी स्टोर क्लॉथ्स? ओके, इसका भी आंसर राइट करेंगे हम। हमें कपड़ों को कैसे स्टोर करना चाहिए? वी शुड स्टोर क्लॉथ्स with mothballs or dried neem leaves okay। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 सेफ्टी फर्स्ट। चैप्टर नंबर 4 सेफ्टी फर्स्ट, क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 34। बेटा सुरक्षा हर जगह ज़रूरी है, सुरक्षा ही सेफ्टी रूल्स ही एक ऐसे माध्यम हैं जो आपको होने वाली घटनाओं से बचा सकते हैं। किसी को नहीं पता होता कि कौन सी घटना कब और कहां कैसे होने वाली है, बस ये आपका कॉमन सेंस है, आपके सेफ्टी रूल्स हैं, आपकी डेवलप की हुई तकनीकी है जिसको फॉलो करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न ओनली द सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी एट होम, बेटा हमें हर जगह पे सुरक्षा के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मगर हर जगह पे अलग अलग रूल्स होते हैं। रोड पर अलग रूल्स हैं, घर पर अलग रूल्स हैं, स्कूल्स में अलग रूल्स हैं, ठीक है। तो हम इसमें बारी बारी से पढ़ेंगे, उसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या होता है। एक्सीडेंट्स एट होम अकर मोस्टली ड्यू टू फॉल, बर्न, इलेक्ट्रिक शॉक और पॉइजनिंग। जो घरों पे होने वाली घटनाएं हैं वो क्या क्या होती हैं? या तो आप गिर जाते हो, या कहीं आप जल जाते हो, या आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, या कहीं पे पॉइजनिंग हो जाती है। पॉइजनिंग बेटा मतलब कि कहीं गलती से आपने किसी और कंटेंट की जगह पे आपने कोई और चीज़ यूज कर दिया। जैसे बेटा मान लो आपने हार्पिक या एसिड, जो बैटरी पानी यूज होता है, इसका कहीं गलत यूज कर दिया, या आपने बैटरी के पानी से हाथ धुल लिया, तो इससे आपके साथ कोई घटनाएं हो सकती हैं। इन द किचन, आपको क्या क्या किचन में रूल फॉलो करने होंगे। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, धार धार वाली चीज़ों के साथ ना खेलें, नाइफ्स, ब्लेड्स, सीजर्स। डू नॉट लाइट मैजिस्टिक ऑन योर ओन, आप खुद माचिस की तीलियों को बार बार बर्न ना करें। डू नॉट टच हॉट पैंस, हॉट पैंस को भी टच ना करें।
टर्न ऑफ गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज, जब भी गैस का इस्तेमाल ना हो गैस को बर्नर को बंद कर दें। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ व्हाइल वर्किंग इन द किचन, जब भी किचन में काम करें सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल ना करें। इन द बाथरूम, बाथरूम में क्या करना होगा आपको, कीप द फ्लोर ऑफ बाथरूम ड्राई, ठीक है बेटा, उसको आप सूखा रखें। डू नॉट स्प्लैश सोपी वाटर और शैम्पू इन द बाथरूम, बाथरूम में बेटा सोपी वाटर यानी कि जिस पानी में साबुन घुला हो, शैम्पू, ऐसे पानी को फर्श पे ना फैलाएं वरना आप स्लिप होकर फॉल डाउन हो जाओगे। डू नॉट टच स्विचेज और प्लग्स विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से स्विचेस को, फैंस को या किसी चीज को, बल्ब को ना छुए, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट प्ले विथ ब्लेड्स रेजर्स और सीजर्स, कैंची से, सेविंग रेजर्स से, इन सबको आप टच ना करें, आपके हाथ कट सकते हैं। मोर सेफ्टी रूल्स एट होम, आपको घर पे क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे इसे आप देखेंगे। डू नॉट हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑन योर ओन, आप किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को खुद रन ना करें, खुद ना चलाएं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स स्विचेस और प्लग, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर सॉकेट ऐसे टच ना करें। डू नॉट लाइट गैस स्टोव ऑन योर ओन, कोई भी गैस आप खुद बर्न ना करें। डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, अपने खिलौनों को यहाँ वहाँ फर्श पर ना रखें, अदरवाइज कोई गिर के चोट लग सकती है उस व्यक्ति को। डू नॉट स्टे अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, गर्म चीज़ों से दूर रहें। डू नॉट फ्लाई काइट्स और ट्रेसेस, जैसी खुली छत पे पतंग ना उड़ाएं वरना आप छत से सीधे नीचे गिर सकते हो। डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, और कोई भी दवाई खुद ना खाएं बेटा, ये भी एक पॉइजनिंग का रीज़न हो सकता है। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड एंड स्विमिंग पूल, खेल के मैदान में और स्विमिंग पूल पे आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे आप यहाँ देखते हैं। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, जो खेल का रूल है उसी को फॉलो करें, ना खुद चीटिंग करें और ना अगले को चीटिंग करने दें। डू नॉट प्ले रफ गेम्स आर पुश ईच अदर, कभी भी खतरनाक गेम नहीं खेलें और खेल के मैदान से धक्का नहीं दें, धक्का देंगे हो सकता है कि वो गिरे, फिर वो आपको धक्का देंगे तो आप भी गिरेंगे। वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग्स एंड स्लाइड्स, अगर आप पार्क में हैं, स्लाइड करने जा रहे हैं, झूले पे जा रहे हैं, तो अपनी बारी का इंतज़ार करें। वियर सेफ्टी गियर्स वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट एंड फुटबॉल, सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल करें जब भी क्रिकेट फुटबॉल ऐसी चीज़ों को खेल रहे हों। डू नॉट गो इन टू डीप वाटर वाइल स्विमिंग इन द पूल, जब भी आप पूल में अगर स्विमिंग कर रहे हैं तो गहरे पानी में ना जाएं। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, जब आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई गार्जियन हो, पापा मम्मी ऐसे कोई, तभी आप स्विमिंग करें, वैसे स्विमिंग ना करें। हो सकता है कि आपने स्विमिंग ट्यूब को छोड़ दिया, सेफ्टी ट्यूब को छोड़ दिया, तो आप पानी के अंदर डूब सकते हो। यूज ए स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर, अगर आपको अच्छे से तैरने नहीं आता तो आप स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करें, उस ट्यूब के अंदर घुस के आप स्विमिंग करें। सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल पे कौन कौन सी सेफ्टी आपको करना होगा यहाँ देखेंगे। देयर आर सम सेफ्टी रूल्स दैट वी यू शुड फॉलो एट स्कूल, डू नॉट रन अराउंड इन द कॉरिडोर्स आर क्लासरूम, क्लासरूम में या फिर क्लास कॉरिडोर्स में दौड़े नहीं। डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर्स आर थ्रो थिंग्स अराउंड, यहाँ वहाँ सामानों को फेंके नहीं, कुर्सियों पे डेस्क पर दौड़े नहीं। डू नॉट रन अप आर डाउन द स्टेयर्स आर पुश एनी वन, यू आर सम वन एल्स मे फॉल एंड गेट हर्ट, हो सकता है कि आप गिर जाएँ और आप चोट लग जाएगी। सेफ्टी ऑन द रोड, आपको रोड पर कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होंगे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलें। क्रॉस द रोड एट द जेबरा क्रॉसिंग, जहाँ पे जेबरा क्रॉसिंग हो वहीं पे आप रोड को क्रॉस करें। बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक टू योर राइट देन योर लेफ्ट, दाहिने देखें फिर बाएं देखें फिर दाहिने देखें फिर रोड को क्रॉस करें। डू नॉट प्ले आर रन ऑन द रोड, रोड पर खेले नहीं, दौड़े नहीं। द सबवेज आर ओवरहेड ब्रिज टू क्रॉस द रोड, अगर कहीं पे ओवरब्रिज है तो आप रोड को क्रॉस करने के लिए ओवरब्रिज का इस्तेमाल करें। फर्स्ट एड की बात करते हैं, अभी हम फर्स्ट एड आपको एक्सप्लेन करते हैं। समटाइम्स वी माइट गेट इंजर्ड इवन इफ वी आर केयरफुल, वी शुड लर्न टू हेल्प एन इंजर्ड पर्सन विद सम बेसिक ट्रीटमेंट्स, बेटा फर्स्ट एड वो इलाज है जो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हम इंजर्ड पर्सन को देते हैं ताकि वो कुछ समय के लिए तुरंत तत्कालिक व्यवस्था में रोक दिया जाए, उसकी जो समस्या है अभी कुछ समय के लिए कंट्रोल कर ली जाए ताकि वो अंडर कंट्रोल हो जाए। द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और रिस्क सिक पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव्स इज कॉल्ड द फर्स्ट एड, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू गिव फर्स्ट एड एंड इंजर्ड और सिक पर्सन डू नॉट पैनिक आफ्टर एन एक्सीडेंट। हियर आर सम फर्स्ट एड टिप्स
दैट विल हेल्प इन कॉमन इमरजेंसीज लाइक माइनर कट्स, वुंड्स, बर्न्स, इंसेक्ट्स बाय इट्स फेंटिंग एंड फ्रैक्चर। ये बहुत सारे आपको यहाँ पे फर्स्ट एड्स के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप कहीं थोड़ा सा जल जाते हो तो क्या आपको लगाना है, किसी छोटे मोटे मधुमक्खी ने या किसी ऐसे कीड़े ने काट लिया तो आपको क्या अप्लाई करना है, और आप कैसे कैसे तरीके का इस्तेमाल करके उस इंजर्ड पर्सन को प्राथमिक उपचार दे सकते हो। फॉर माइनर कट्स एंड उंड्स, अगर छोटे छोटे घाव हैं कहीं कटा हुआ है तो क्या करना है आपको, वॉश द माइनर कट और उंड विद द क्लीन वाटर, साफ पानी से धुलें उसको, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ओवर इट, इसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दें। फॉर बर्न्स, अगर कुछ जला है तो क्या करना है आपको, वॉश द बर्नड एरिया विद कूल नॉट कोल्ड रनिंग वाटर, ठंडे पानी से धुलें। फॉर सम टाइम्स अप्लाई एन आइस पैक ऑन इट, जिस पर आप आइस पैक भी लगा सकते हो। देन अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट ऑन द बर्नड एरिया, और उससे फिर आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दो। फॉर इंसेक्ट बाइट्स, इन केस ऑफ द इंसेक्ट बाइट्स प्लेस एंड कूल कंप्रेस और एन आइस पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया, पहले आप आइस पैक रखें उस पर, यानी कि बर्फ के क्यूब्स को एक कपड़े में कॉटन क्लॉथ में पैक करें उस पर रखें। दिस विल हेल्प रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। यू कैन ऑल्सो अप्लाई कैलामाइन लोशन टू गिव रिलीफ फॉर इचिंग, तो यहाँ पर फिर कैलामाइन लोशन अप्लाई करें। इफ़ ए पर्सन फेंट्स, डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन, उसके अगल बगल जाए नहीं। मेक द पर्सन लाई डाउन ऑन हिज बैक विद हिज हेड एंड ए लोअर लेवल देन दिस बॉडी, इट हेल्प्स द ब्लड रीच द ब्रेन फास्टर। अगर किसी को चक्कर आ गया, गिर गया है, तो उसको आप ऐसे लिटाएं पहले अच्छे से लेवल में, थोड़ा सा सर को नीचे करें ताकि वो उसके सर के पास खून पहुँच सके। लूजन क्लॉथ्स एंड बेल्ट एंड पिंकल्स कोल्ड वाटर ऑन हिज फोरहेड, उसके सर पर पानी के ठंडे पानी के छींटे मारें। गेट मेडिकल हेल्प, और डॉक्टर से तुरंत बात करें। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, फॉर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर की बात करते हैं। डू नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट, जहाँ पे चोट लगी उसको मूव नहीं करें। अप्लाई एन आइस पैक रैप्ड इन क्लॉथ्स टू रिलीव पेन, वहाँ पे एक आइस पैक लगाएं ताकि आपको दर्द से आराम मिल सके। प्लेस ए सिंपल स्प्लिंट आर कसन टू प्रोवाइड सपोर्ट, गेट मेडिकल केयर इमिडिएटली, वहाँ पे एक हल्की सी आप कपड़े से रैपिंग कर दें और डॉक्टर से तुरंत हेल्प लें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड इन केस ऑफ माइनर एक्सीडेंट्स, बट वी मस्ट फर्स्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। बेटा ये तो एक सौभाग्य की बात है कि हम इस बारे में जान चुके हैं फर्स्ट एड कैसे कैसे हमें यूज़ करना है, कहाँ से क्या अप्लाई करना है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मगर आपको ये सारी बातें अपने दिमाग में हमेशा क्विक मोड में सेव रखनी चाहिए। कभी ऐसी कोई घटना होती है तो आप इन सभी चीज़ों को तुरंत फॉलोअप करें। हाँ, अगर आपको एक्सीडेंट्स अवॉइड करना है तो आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, तो आप एक्सीडेंट का शिकार कम से कम होंगे या नहीं होंगे। ओके, कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट यहाँ पे फर्स्ट में फिल करेंगे ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड में फिल करेंगे ऑल ऑफ दीज, बेटा थर्ड में फिल करेंगे सिंथेटिक, बेटा फोर्थ में फिल करेंगे एबर। पॉइंट नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बेटा फर्स्ट में फिल करेंगे हार्ट, सेकेंड में फिल करेंगे ड्राई, थर्ड में फिल करेंगे फर्स्ट एड, फोर्थ में फिल करेंगे एंटीसेप्टिक। फिफ्थ में बेटा फिल करेंगे आइस पैक। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द क्वेश्चन नंबर सी। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। जिसको हमें मैच करना है बेटा, फर्स्ट को आप मैच करोगे ई से, सेकंड को सी से, थर्ड को ए से, फोर्थ को बी से, और फाइव को डी से। ये रहा आपका मैच द फॉलोइंग। मूव टू द क्वेश्चन आंसर। Answer the following questions in short. Answer the following questions in salt. Question number 1. How can incidents be wide? How can incidents be avoided?
कंप्लीट इट आंसर, इसका भी आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट एनी टू सेफ्टी मेजर that you should take in bathroom. Okay, complete the answer of this question. Keep the floor dry. Point number 2, do not splash soapy water. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी टू सेफ्टी मेजर्स that you should take in swimming pool Point number 1, do not go into deep water. Point number 2,
ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. इन द प्रेजेंस In the presence of an adult. Okay, students. Move to the next question. What is first aid? Question number 4. What is first aid? The immediate medical help. Medical help given to an injured. Injured or sick person before doctor. Okay, students, हमने शॉर्ट आंसर कंप्लीट कर लिया. अभी हम लॉन्ग आंसर कंप्लीट करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. Answer the following questions in detail. Question number 1. What safety rules? Should be followed. In the kitchen. Okay, complete the answer.
पॉइंट नंबर वन, डू नॉट टच और पॉइंट नंबर टू, डोंट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। Turn off gas stoves. 4. Do not light match sticks. 80. Question number 1, आप फटाफट कंप्लीट कर लें। Okay students, question number 2. Question number 2. Write some safety rules that you should follow on the road. Okay, complete the answer. Safety rules on the road. Always walk on the footpath. Point number 2. Cross the road at zebra crossing. Point number 3. Use overbridge
टू क्रॉस द रोड। पॉइंट नंबर फोर, डू नॉट प्ले ऑन द रोड ETC। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो। हमने क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट कर लिया, अभी हम क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट करेंगे। How will you help a person who has fainted? How will you help a person? A person who has fainted. Okay, complete the answer. Do not crowd the person. Person lie down on his back. Down on his back with head. With head lower than his body. At a lower than his body. Loosen cloths. And sprinkle cold water. Sprinkle cold water on his forehead. Okay. Question number three, we have completed. Let's move to the question number four and last chapter. Question number four. How will you give first aid
फर्स्ट एड टू ए पर्सन हु हैज फ्रैक्चर्ड ए बोन, टू ए पर्सन हु हैज फ्रैक्चर्ड ए बोन। इसका भी आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। डू नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट, इंजर्ड पार्ट, अप्लाई एन आइस पैक